आरसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट देखेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो इसके अंदर हम टोटल 7 टॉपिक देखेंगे, जो कि फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, सेकंड गोल्स एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, थर्ड पॉजिटिव साइकोलॉजी, फोर्थ ट्रेडिशनल साइकोलॉजी वर्सेस पॉजिटिव साइकोलॉजी, फिफ्थ रिलेशनशिप ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी विथ अदर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी लाइक हेल्थ, क्लिनिकल डेवलपमेंट, सोशल एंड पर्सनालिटी, सिक्स्थ साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड सेवेंथ इज पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड स्टेटस क्यो। तो इस वीडियो में हम आज ऊपर किए जो दो टॉपिक है, फर्स्ट एंड सेकेंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड गोल्स एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो शुरू करने से पहले, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी? तो साइकोलॉजी है क्या? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइकोलॉजी फर्स्टली है क्या। तो सिंपल डेफिनेशन देखते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ओके, कि ये जो साइकोलॉजी है यानी कि मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल ऑफ आवर आउटवर्ड और ओवर्ट एक्शन एंड रिएक्शंस सच एज टॉकिंग, फेशियल एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट। यानी कि जो व्यवहार है, तो व्यवहार में हमारी सभी जो बाहरिया प्रत्यक्ष क्रियाएं है और प्रतिक्रियाएं है वो शामिल होती है, जैसे कि बात करना, चेहरे के भाव और हरकतें यानी कि मूवमेंट। द टर्म मेंटल प्रोसेस रेफर्स टू ऑल द इंटरनल कोवर्ट यानी कि हिडन एक्टिविटी ऑफ आवर माइंड्स सच एज थिंकिंग, फीलिंग एंड रिमेम्बरिंग। तो वो मानसिक प्रक्रिया शब्द हमारे दिमाग की अब सभी आंतरिक यानी कि छिपी हुई जो गतिविधियाँ है तो उसको संभावित करता है। ठीक है, तो हमारा जो मेंटल प्रोसेस है, मानसिक क्रिया है, वो हमारी अंदरूनी एक्टिविटी को यानी कि माइंड के अंदर जो चल रही हमारी भावनाएं है उसको दर्शाता है, जैसे कि थिंकिंग, फीलिंग, सोचना, समझना और याद करना। टू स्टडी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इन बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस रिसर्चर्स मस्ट ऑब्जर्व थेम। तो पशुओं और जो मनुष्य है, उन दोनों के व्यवहार को और मानसिक प्रक्रियाओं को अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं को इन सब का अवलोकन करना जरूरी है। वेन एवर अ ह्यूमन बींग ऑब्जर्व एनी वन और एनी थिंग, देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑब्जर्वर विल सी ओनली वॉट ही और शी एक्सपेक्ट टू सी। यानी कि ये जो ह्यूमन बींग है, तो वो कुछ भी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, तो यही पॉसिबिलिटी तो यही रहती है कि भाई ये जो ऑब्जर्व करने वाले है तो वो उसको जो एक्सपेक्ट यानी कि उसे जो देखना है, उसे जो समझना है, वो उसी प्रकार समझेगा और देखेगा। साइकोलॉजिस्ट डोंट वॉन्ट टू लेट दिस पॉसिबल बायसेस कॉज धैम टू मेक फॉल्टी ऑब्जर्वेशन। ओके, जो ये साइकोलॉजिस्ट है, तो वो नहीं चाहते हैं कि ये जो बिहेवियर है, ये जो एनिमल्स यानी कि जो ह्यूमंस है, तो वो फॉल्टी ऑब्जर्वेशन करें, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं चाहते। दे वॉन्ट टू बी प्रीशियस यानी कि दे उन्हें सटीक यानी कि ठीक चाहिए, सब कुछ सही तरीके से चाहिए, और मेजर एज केयरफुली एज दे कैन, सो दे यूज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू स्टडी साइकोलॉजी साइंटिफिकली। ओके, सो दे मेजर एज केयरफुली एज दे कैन। ओके, तो उन्हें सब कुछ ठीक चाहिए होता है और वो ध्यानपूर्वक सब कुछ मेजर करते हैं, ताकि उनको जो यूज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू स्टडी साइकोलॉजी साइंटिफिकली। तो ये जो मनोविज्ञानी का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, तो उसके उसको करने के लिए वे व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करता है। गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, देर आर 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। सो फर्स्ट इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग इज टू डिस्क्राइब इट। यानी कि जो पहला स्टेप है किसी चीज़ को समझने के लिए, बिहेवियर को समझने के लिए, तो उसका पहला स्टेप है डिस्क्राइब इट यानी कि उसको डिस्क्राइब कीजिए।
Description involves observing a behavior and nothing everything about it. What is happening, where it happens, to whom it happens, and under what circumstances it seems to happen. Okay? So in description we will see that what is happening. इसके अंदर हम देखेंगे कि first of all ये इसका जो main goal है description का तो वो है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और where it happens कब कहाँ हो रहा है to whom it happens किसकी वजह से हो रहा है and under What circumstances it seems to be happen यानी कि किस परिस्थितियों की द्वारा इसका इस बिहेवियर को हम देख सकते हैं यानी कि हो रहा है. Second is explanation. Based on her observation, the psychologist might try to come up with the tentative explanation. Okay? तो अपने अवलोकन के आधार पर वे मनोवैज्ञानिक जो है वो एक अस्थायी स्पष्टीकरण को देने की कोशिश करते हैं. Finding explanation for behavior is a very important step in the process of forming theories of behavior. The goal of description provides the observation and the goal of explanation help build the theory. Okay? कि व्यवहार के लिए स्पष्टीकरण ढूंढना व्यवहार के सिद्धांतों को बनाने की प्रतिक्रिया के एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है. ठीक है? तो जो गोल है डिस्क्रिप्शन का वो ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करता है और जो गोल ऑफ एक्सप्लेनेशन है थियोरी को बिल्ड करने में हेल्प करता है. थर्ड इज प्रिडिक्शन. डिटरमाइनिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर इज अ प्रिडिक्शन यानी कि हमें पता नहीं कि फ्यूचर में अब क्या होने वाला है तो वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो प्रिडिक्ट करता है किसी भी बिहेवियर को भी आगे होगा क्या. यानी कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम इस डॉग के सामने इसकी फेवरेट चीज़ उसके सामने लाएंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा वो साइकोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट करता है. प्रिडिक्शन ऑल्सो अलाउज साइकोलॉजिस्ट टू मेक गैसेस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर विदाउट नेसेसरली अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म अंडरलाइंग द फिनोमोनिया यानी कि ये जो प्रिडिक्शन है वो गैस करने में ह्यूमन बिहेवियर है तो उसको गैस करने में मदद करता है. अगर तुम्हारे पास नेसेसरली यानी कि किसी भी मैकेनिज्म यानी कि किसी भी परिस्थिति का कंप्लीट तुम्हारे पास है नहीं फिर भी तुम प्रिडिक्शन कर सकते हो किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को. ठीक है? एंड द लास्ट गोल इज कंट्रोल. दिस इज द पर्पस ऑफ द लास्ट ऑफ द फोर गोल्स ऑफ साइकोलॉजी इज द चेंजिंग और मॉडिफाइंग बिहेवियर. तो हाउ टू वी चेंज द बिहेवियर एंड हाउ कैन वी Change and modify the behavior is to control them. The focus of control or the modification some, okay, or the modification of some behavior is to change a behavior from an undesirable one to desirable one, okay. तो अगर हमें किसी भी बिहेवियर को चेंज करना है जैसे कि किसी अनिच्छित को इच्छित में बदलना है तो हमें उसको कंट्रोल में लाना होगा और उस बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करना होगा. ओके? देन देर आर few branches of psychology like clinical psychology, industrial psychology, cognitive psychology, educational psychology, developmental psychology, forensic psychology, counseling psychology, biopsychology and sports psychology.